साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मैं आपको आज एक बड़ा डिफरेंट मुद्दा लेकर के आई हूँ, और वो डिफरेंट मुद्दा ये है कि क्या लड़कियों को ग्रुप डी में जाना चाहिए या नहीं। रेलवे ग्रुप डी की जॉब, जो लेवल वन की जॉब अभी कही जाती है, उसमें लड़कियों को क्या वर्क दी जाती है। कई बार लोगों का काम होता है कि नहीं, रेलवे ग्रुप डी लड़कियों के लिए जॉब है ही नहीं, उसको नहीं जाना चाहिए, उसमें ये वर्क होती है, उसमें ट्रकमैन होता है, इसमें पॉइंट्समैन होते हैं, उसमें आपको CNW का वर्क होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो भी परसेप्शन हमारे समाज में बने हुए हैं, हमारी जो फ्रेंड्स, जो आपका जहाँ भी एजुकेशन हब है वहाँ पर बना हुआ है, इस चीज़ को मैं आपको दूर करूँगी। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें। सर्वप्रथम मैं ये बता दूँ कि रेलवे ग्रुप डी लड़कियों के लिए आज रेलवे ग्रुप डी वो ग्रुप डी नहीं रह गया है जो वर्षों पहले हुआ करती थी। आज लड़कियों को उसी हिसाब से वर्क दी जाती है जिस हिसाब से उनके पास एबिलिटी होती है। लाइक आपके पास एजुकेशन है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री है, तो आप उस तरीके का नौकरी दी जाती है, उस तरीके का जॉब दी जाती है, उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट दी जाती है, ताकि लड़कियाँ सुरक्षित रहे, लड़कियों के साथ कुछ भी इस तरीके का परेशानी ना हो। क्योंकि अगर लड़कियों का कोई भी परेशानी है तो ये रेलवे बोर्ड की परेशानी है, ये रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का परेशानी है, और यह रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उसकी परेशानी है, आपकी परेशानी नहीं है। तो लड़कियों को अभी क्या है कि जो भी सपोज ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन, अभी तो इंजीनियरिंग का कहा, ट्रैकमैन को इंजीनियरिंग का दर्जा दे दिया गया है, और कोई भी पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को फील्ड वर्क नहीं दी जाती है, कोशिश की जाती है कि उसको एक ग्रुपिंग वर्क दी जाए, लाइक 5 गर्ल्स हैं तो ही उस 5 में उसको इन्वॉल्व की जाती है, अदरवाइज ऑफिस वर्क दी जाती है। और आप इतना ये कभी ना सोचे कि बैंक की नौकरियों में लड़कियां बड़ी सेफ़ हो जाती है, रेलवे ग्रुप डी में सेफ नहीं है। ये धारणाएं हैं जो हमेशा नकारात्मकता की ओर ले जाती है, और ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है। तो लड़कियाँ आज सभी लोग ग्रुप डी कि जो भी प्रिपरेशन कर रही हैं उन सभी से मैं नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी पूरा अपनी पूरी शक्ति को, पूरी ताकत को झोंक दीजिए इस प्रिपरेशन में, इस रेलवे ग्रुप डी के प्रिपरेशन में, क्योंकि आप भी TCCC की नौकरी कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल इतनी सारी संभावनाएं मिल जाती है जो अक्सर आपको ओपन लाइन में नहीं मिलेगा, और ओपन लाइन में जितनी भीड़ भाड़ होती है वो रेलवे डिपार्टमेंटल में नहीं होती है। क्योंकि रेलवे को भी मालूम है कि आप 8 घंटा ड्यूटी करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कितना पढ़ाई करता है एम्प्लॉई रेलवे को मालूम है, इसलिए उसी ढंग का क्वेश्चन दी जाती है, और बड़ा आसानी हो जाता है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम को निकालना। तो लड़कियों ऐसा ना सोचो कि ये वर्क, ये जो जॉब है वो बहुत टफ होता है, ये हमारे लिए बना ही, अरे सब प्रत्येक फील्ड में आप जा सकती हैं। आपकी सोच को बदलना है, आपको मानसिक स्थिति को मजबूत रख करके काम करना है। आप डगमगाए नहीं, आपको मैक्सिमम ऑफिस वर्क दी जाती है, नहीं तो वैसा ही वर्क दी जाती है जहाँ पे गर्ल्स का एक सर्कल होता है, लाइक 10 गर्ल्स होंगे, 15 इस तरीके का होता है। आप अनसेफ कभी कहीं भी नहीं हो। अगर आप सोचती हैं कि आप अनसेफ है, तो अनसेफ हर जगह पे है, बैंक की नौकरी में भी है, SSC LDC की नौकरी में भी है, UDC की भी नौकरी में है, BPSC आप अधिकारी बनती है वहाँ भी है, UPSC आप IAS बनते हैं, DM हर जगह पे है। ये बस सोचने की जरूरत है कि आपकी मानसिकता किस ढंग की है, और आप अपने आप में कितनी मजबूती से किसी भी चीज़ों को फेस करती है। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत संभावनाएं हैं रेलवे ग्रुप डी में भी। अगर आप चाहें तो सीनियर क्लर्क का भी नौकरी कर सकते हैं, और जैसे ही आप सीनियर क्लर्क बनते हैं उसके आफ्टर 2 ईयर्स आप चीफ, आप OS बनते हैं, जिसका ग्रेड में OS मीन्स ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट, और उसमें 4200 आपका ग्रेड पे हो जाएगा, एंड देन अगेन उसके बाद आपको चीफ OS बन सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, कई सारे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो आप ऐसा ना सोचो कि हमें ग्रुप डी में नहीं जाना चाहिए। अरे जाओ, क्या करना है, बैठ के क्या करना है, कुछ नहीं। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, और अपने आप को एकदम ताकतवर महसूस होने दो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो,